हेलो एवरीवन वेलकम टू जीत सीरीज मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो डॉट कॉम तो बच्चों हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का कंटिन्यूएशन सेशन है जहां पर हम इस चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे एंड वील ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर टुगेदर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों अपने पिछले सेशन में हम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड से स्टडी करके आए हैं आज के सेशन में वी आर गोइंग टू बिगिन विद द इज फीमेल विदोशियमेलोडक्टिव वर्ल्ड अब अगर ये एक वर्ल्ड है बच्चों दैट मींस यहां पर ये फॉर्म होती है बाय द रेपिटेशन ऑफ सर्टेन यूनिट्स जो कि सर्कुलर फैशन पे आपके थैलमस पे अरेन्ज होते हैं ऑफ द फ्लावर इजंट इट सो उन रिपीटेड यूनिट्स को हम क्या बुलाते हैं वी कॉल देम द कार्पल और द पिस्टल ठीक है तो चलो बच्चों कार्पिल और पिस्टल को सबसे पहले तो हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसको कि आपको याद रखना है एंड दैट इज मेगा स्पोरोफिल इज दैट राइट ओके जैसे कि हम स्टेमिन को बुलाते थे माइक्रोस्पोरोफिल यहां पर हम इसको बुलाते हैं द मेगा स्पोरो अब फिल वर्ड अगेन बता रहा है कि ये एक मॉडिफाइड लीफ है जैसा कि हमने गोएथ के अकॉर्डिंग देखा था ना जब हमने पढ़ा था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है तो इसका मतलब जो उनकी लीव्स हैं वो भी मॉडिफाई हो जाती हैं और वो फ्लोरल लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है और उनमें उन से एक मॉडिफाइड लीव थी आपकी कार्पलिया पिस्टल इसका मतलब ये फिल वर्ड जो है वो लगना तो बनता है राइट और जब वर्ड आता है मेगा इट मीन इट इज रिप्रेजेंटिंग द फीमेल स्ट्रक्चर

ठीक so, है सो दिस इज द स्टिग्मा जो कि मेंट है फॉर द रिसेप्शन ऑफ द ग्रेन तो ग्रेन यहीं पर आकर लैंड करता है देन वी हैव इज द नेक ऑफ दिस कार्पल तो ये जो नेक ऑफ द कार्पल है ना बच्चों ये आपको थिन सिलेंडर देखने को मिलेगा एंड दिस इज कॉल्ड द स्टाइल ठीक है तो इसे हम बुलाते हैं स्टाइल और ये पर्टिकुलर जो टिब्युलर स्ट्रक्चर है ये आपके स्टिग्मा को कनेक्ट करता है विद द ओवरी विच इज द नेक्स्ट पार्ट ठीक है तो ये जो स्टाइल है बच्चों ये आपको हॉलो भी देखने को मिल सकती है एंड इट कुड बी सॉलिड ऑल्सो दैट मीन्स ये अंदर से हॉलो भी हो सकती है या फिर हो सकता है ये पूरे सेल से You know, अच्छे से भरी हुई हो तो इसका मतलब वहां पर कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं हो तो स्टाइलोलोनली मूव टू दिन पार्ट ऑफ दू नो पिस्टल दैट इज दोलन बेसल पोर्शन सा बेसल पोर्शन देखने को मिलता है एंड दिस इज कॉल्ड द इसी को हम बुलाते हैं ओवरी अब इस ओवरी में आपको बच्चों देखने को मिल रहा होगा ये खाली सा स्पेस ये वाइट स्पेस देखने को मिल रही ना दिस कैविटी इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी या जिसको हम लॉक्यूल भी बुलाते हैं तो देखो ये जो कैविटी देखने को मिल रही है दिस इज कॉल्ड ओवेरियन कैविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक्यूल राइट right? और इस लॉक्यूल में आपको देखने को मिलेगा जिस लॉक्यूल और यहां पर आपकी जो ओवरी वॉल है उसमें ना आपको एक ऐसा टिश्यू देखने को मिलता है ये जो टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है ना दिस इज मेड अप ऑफ सेल तो ये पैरेंटस टिश्यू जो है वो न्यूट्रिटिव है इन नेचर और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू इज कॉल्ड द प्लासेंटा और इस प्लासेंटा से अटैच होता है आपका

और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर यानी कि ओव्यूल के अंदर भी ना आपको एक ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ना द देंटर दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म एंड दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट गैमिटोफाइट कॉल द्रायोसैक तो ये होगा आपका एम्ब्रायोसैक रिमेंबर ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है सो दिस इज गोइंग टू बी एम्ब्रायो फैक सो आई होप द बेसिक स्ट्रक्चर पिस्टल और दी कार्पल इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब देखो बच्चो एक फ्लावर के अंदर एक पिस्टल का जो नंबर है, या का नंबर है वो वेरी कर सकता है हो सकता है वो सिंगली प्रेजेंट हो तो हो सकता है पर्टिकुलर फ्लावर जिसके पास आपको एक कार्पल देखने को मिले सच कंडीशन इज कॉल्ड मोनो कार्पलरी ठीक है तो अगर आपके पास एक कार्पल प्रेजेंट है ओके okay, यहां पर एक कार्पल प्रेजेंट है दैट मींस ये वाली जो कंडीशन है दिस कॉल्ड मोनोकार्पेलरी मोनो मींस वन अब हो सकता है कि कार्पल का नंबर फ्लावर के अंदर मोर देन वन भी हो अब मोर देन वन वाली कंडीशन में ना आपके पास दो कंडीशन डिराइव कर सकती हैं तो देखो पहली कंडीशन में हो सकता है देयर आर मोर देन वन कार्पल बट ये सारे के सारे कार्पल देखो फ्री हैं इनकी वॉल्स ना अलग अलग दिखाई दे रही है आपको ल्टी कार्पुलरी देखो पहली चीज तो मोर देन वन है तो कंडीशन हुई मल्टी कार्पुल अब सिंस यह अलग अलग है इसका मतलब इस कंडीशन को बुलाते हैं एपो कार्पस कंडीशन सो दिस मल्टी कार्पुलरी एपो कार्पस कंडीशन ओके सो दे आर विदाउट एनी ज्वाइनिंग दैट इज वाई देर कॉल्ड एपो कार्पस सो दिस इज मल्टी कार्पलरी एपो कार्प कंडीशन आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर ठीक है अब एक कंडीशन यह भी हो सकती है बचो अगेन आपके पास मोर देन वन कार्पल हो बट देड भी फ्यूज देखो इनकी वॉल्स जो है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना वहां पर आपको इसे फ्यूज करती हुई नजर आएंगे तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मल्टी कार्पलरी सिटी Because word का मतलब क्या होता है फ्यूज तो यानी कि आपका जो कार्पल है वो फ्यूज होंगे इन दिस मल्टी कार्पुलरी कंडीशन सो आई होप द बेसिक कंडीशन रिगार्डिंग दिस्टल इज वेरी क्लियर अब देखो बच्चों है इनके हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं सो नेक्स्ट वी हैव आर दाम्पल्स ऑफ द मल्टी कार्पुलरी कंडीशन तो देखो मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस कंडीशन का जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ओवर ह्योर वुड बी दी इट इज कॉल्ड माइकेलिया

Condition. While, अगर हम बात करते हैं मल्टी कंडीशन की जहां पर देखो इनका जो बेसल पोर्शन है आपको आपको ऐसे नजर आ रहा है, isn't it? तो जो है वो है. है तो जो वो ये condition आपको देखने को मिलती ठीक है in... तो देखो ये जो माइकेलिया है इसको हम कॉमनली हिंदी में बुलाते हैं द सोन चंपा है ना सोन चंपा बुलाते हैं इसको हिंदी में वाइल जो आपका पेपरवर है दिस इज नथिंग बट दी ओपियम पॉपी ठीक है सो दीज आर दी ऑफ दी मल्टी कार्पलरी कंडीशन जो कि आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ दी दर्पल्स सो ये तो हो गई बात आपके गाइनोशियम की एंड ओवरी की कंडीशन की अब हम चलते हैं दी ओव्यूल जो कि इक्वैलेंट है टू द मेगास्पोरेंजियम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में ओके सो नेक्स्ट वी हैव इज दी ओव्यूल्स तो बच्चों बिगिनिंग विद दी ओव्यूल वी नो वेरी वेल कि ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द ओवरी एंड जैसा कि मैंने बोला इट इज इक्वेलेंट टू द मेगास्पोरेंजियम राइट right, क्योंकि इसी के अंदर मेगा स्पोर्स बनते हैं तो देखो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स के तो एक ओवरी के अंदर आपको

एनालाइज कर लूं तो जितने सीड्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स थे ठीक है तो यहां पर देखो आपको देखने को मिल रही है वन ओव्यूल वाली कंडीशन तो वन ओव्यूल आपको देखने को मिल सकता है फर्स्टली इन केस ऑफ ग्रेन्स लाइक योर यू नो वीट राइस एंड इवन आपको मैंगो में भी देखिए एक ही सीड देखने को मिलता है ना तो ये एक सीड मेच्योर हुआ होगा फ्रॉम वन ओव्यूल इट सेल्फ एजेंटेड तो यानी कि तीन एग्जाम्पल जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन जहां पर आपको एक ओव्यूल देखने को मिलेगा इन साइड दी ओपरी वही अगर हम देखें मोर देन वन अब वही एक से ज्यादा अगर ओव्यूल्स आपको देखने हैं तो आप कौन से फ्रूट देखेंगे कौन से फ्रूट्स में आपको बहुत सारी सीड्स देखने को मिलती हैं वी सी इन पपाया पपाया में देखिए कितने सारे सीड्स होते हैं इसका मतलब ये सभी के सभी सीड्स क्या हैं? दे आर दी मल्टीपल ऑफ वॉट

क्लासिफिकेशन ऑफ़ तो देखो बच्चों जब भी आप एक ऑव्यूल सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन देखते हैं एक स्टॉक लाइक पोर्शन है ना यह एक स्टॉक जो है ना दिस स्टॉक इज फ्यूनिकल और इस स्टॉक से आपके पूरे ओव्यूल की मेन बॉडी अटैच होती है सो दिस इज नथिंग बट फ्यूनिकल राइट ओके okay. एंड अगर आप देखोगे ये फ्यूनिकल आपकी यू नो दिस इज गोइंग टू बी बॉडी तो ये बॉडी से कनेक्टेड है राइट right? ओके okay. अब आपको ये चीज देखने को मिल रहा है आपका जो बॉडी है की उसमें आपको यहां पर ना दो एनविलअ देखने को मिल रहे हैं कैन यू सी आपको ये एनविलअ देखने को मिल रहे हैं ये जो एनविल्स होते हैं जो कि कवर करके रखते हैं आपकी ओव्यूल की बॉडी को दे आर कॉल दी इंटेग्यूमेंट्स इन्हें हम क्या बुलाते हैं वी कॉल देम इंटेग्यूमेंट्स तो आप देखोगे ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो आपकी ओव्यूल की बॉडी को

देन माइक्रोपाइल। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और इस माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट आपको आपके ऑव्यूल का बेसल पोर्शन देखने को मिलता है तो देखो माइक्रोपाइल अगर ये है इसके जस्ट ऑपोजिट जो ऑव्यूल की बॉडी का आपको बेसल पोर्शन देखने को मिलेगा दिस इज कॉल्ड द चलासा व्हाट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड चलासा तो यह है आपका द चलासा ठीक है तो देखो जब भी आपके फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में लाए कर रहे हो देखिए यहां पर आपको कैसा देखने को मिल रहा है आपका जो माइक्रोपाइल है आपका जो चलाजा है और फ्यूनिकल है दे आर ऑल लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो इस टाइप के ओव्यूल को हम बुलाएंगे इरेक्ट ओव्यूल बिकॉज यहां पर कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है जीरो डिग्री राइट जीरो डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है फॉर्मिंग अ इरेक्ट ओव्यूल इस टाइप के ओव्यूल को हम बुलाते हैं ऑर्थ हो ट्रोपस ओव्यूल ओके हम बुलाते हैं औथ हो ट्रॉपस ओव्यूल और ये आपको कैरेक्टरिस्टिकली देखने को मिलेगा इन ऑल द जिम्नोस्पम्स तो ये आपको देखने को मिलता है इन जिम्नोसपम्स आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज दिस टाइप ऑफ ए नोव तो देखो यहां पर अब मैं सारे पार्ट मैंशन नहीं करूंगा जस्ट फॉर योर रेफरेंस देखो दिस इज द फ्यूनिकल राइट ओके देन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है दिस इज अ माइक्रोपाइल एंड ये है आपका चलाजा Right? तो देखो बच्चों आपको देखने को मिला ये वाली कंडीशन से अगर मैं इस कंडीशन को कंपेयर करूं तो देखो अभी तक आपका ओव्यूल ना ऐसे सीधा था अब अगर ये देखेंगे तो ये ऐसे बेंड कर गया है और ये नीचे आ गया है 180 एटी डिग्री से तो कर्वेचर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ऑफ बॉडी ऑफ दी ऑव्यूल बाय 180 एटी डिग्री तो आपका जब भी ओव्यूल की बॉडी 180 डिग्री से टर्न ले लेती है तो आपको देखने को मिलेगा एक इन्वर्टेड ओव्यूल है ना तो इस पर्टिकुलर ओव्यूल को हम बुलाते हैं एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल क्या बुलाते हैं इसको एनाट्रोपस टाइप तो ये वाला जो ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल और ये कैरेक्टेरिस्टिकली आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा इन एंजियोस्पर्म्स तो ये आपको मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है ठीक है तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक इज गोइंग टू बी एनाट्रोपस और इसी को हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे बिकॉज हमारा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म से डील कर रहे हैं ना तो हमें इस ओव्यूल को डिटेल में स्टडी करना है राइट तो आपको देखने को मिल रहा है यहां पर 180 डिग्री से कर्वेचर हो रहा है आपके ओव्यूल की बॉडी का Fine, okay. अब देखो तीसरी condition. तीसरे के में आपको क्या देखने को मिल रहा है दिस इज दाइक्रोपाइल है एंड इज दलाजा ठीक है तो अगर हम लाइन देखें देखो इस तरीके से अगर ये लाइन रही है तो आपका माइक्रोपाइल और जो चलाजा वाला एंड है यानी कि जो बॉडी है आपकी किसकी ओव्यूल की वो स्टॉक से 90 डिग्री फॉर्म कर रही है इट अब यहां पर एनाट्रोपस के केस में जो कर्वेचर था वो कितना था 180 डिग्री का और यहां कर्वेचर कितना है 90 डिग्री का है ना तो 90 डिग्री का कर्वेचर आपके एनाट्रोपस से कैसा है दैट मींस 180 डिग्री का हाफ ही तो हुआ ना है नहीं इसका मतलब इस वाले ओव्यूल को हम नाम दे सकते हैं हेमी है Anatropus क्यों बुला सकते हैं बच्चों half. और Anatropus मतलब आपका ये वाला ओव्यूल तो Anatropus का कितना डिग्री बन रहा था 180 डिग्री 180 डिग्री का हेमीमींस हाफ कितना हुआ 90 डिग्री इसका मतलब ऐसा वाला ओव्यूल जहां पर ओव्यूल की बॉडी जो है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है या फिर परपेंडिकुलर है टू दी एक्सिसमी एस आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है नावी जिसे हम बुलाएंगे देखो यहां पर यह वाली कंडीशन देखो ये वाली कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि आपका जो ऑफ्यूल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है बट कंप्लीटली 180 डिग्री भी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ आपका जो ओव्यूल का कर्वेचर है इट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री तो इस टाइप के ओव्यूल को हम क्या बुलाएंगे सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ एन ओव्यूल एज कैम्पाइलोट्रोपस क्या बुलाते हैं इसको हम कैम्पाइलोट्रोपस तो so, देखो यहां पर क्या देखने को मिला कैम्पाइलो ट्रोपस में दैट ये आपका फ्यूनिकल था ये आपका सी दिस इज योर चलाजा एंड दिस इज माइक्रोपाइल तो जो एंगल फॉर्म हुआ एंगल इज गोइंग टू बी मोर 90 डिग्री ओके बट इट इज़ गोइंग बी यू नो लेस देन 180 डिग्री आल्सो तो ये बीच में जो लाया करेगा पर्टिकुलर एंगल दिस टाइप ऑफ एन ऑफ वुड बी कॉल्ड दी कैंपाइलो इतनी चीजें क्लियर है ओके देन वी हैव दिस टाइप ऑफ एन ऑफ

ये वाली कंडीशन तो आपको टॉपिस में भी देखने को मिलती थी बट यहां क्या डिफरेंस है यहां पर आपके यू नो ओव्यूल के बॉडी के कर्वेचर के साथ साथ आपके एम्ब्रायोसैक का भी कर्वेचर देखने को मिल रहा है तो देखो आपका जो एम्ब्रायोसैक है विच रिप्रेजेंट द फीमेल गैमिटोफाइड वो भी कर्व्ड है एंड गिविंग इट अ horseshoe appearance. तो ये हॉर्सू अपियोरेंस जो देखने को मिल रहा है ना ऑफ दी यूनो you एम्ब्रायोसैक know, इसकी वजह से आपको यह नया टाइप का ऑव्यूल देखने को मिलेगा ऑप्शन देखो यहां पर ओव्यूल की बॉडी के साथ साथ एम्ब्रायोसैक भी आपको कर्व नजर आ रहा है इसका मतलब ऐसे वाले ओव्यूल को हम बुलाते हैं एम्फी ट्रॉपस एम्फी मतलब बोथ मतलब बोथ मतलब यहां पर क्या क्या करवेचर शो कर रहा है आपकी ओव्यूल की मेन बॉडी एज वेल एज दी एम इसीलिए मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री कंडीशन क्लियर है ओके नाउ वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल जहां पर क्या देखने को मिल रहा है सबसे पहले तो आपको जो ये फ्यूनिकल है दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग

ट्रॉपस ऑफ यूल ठीक है तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको माइक्रोपाइल चलासा कंडीशन वही है बट आपका फ्यूनिकल पूरी तरह से एक कॉइल्ड यू नो कॉइल हो जा रहा है अराउंड दूल्स बॉडी तो ये वाली कंडीशन में यू विल सी अ थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न ऑफ दी ऑफ यूल बॉडी और इसीलिए वी कॉल इट सरसी नॉपस बिकॉज ये सर्क्यूलर यू नो टर्न ले रहा है अराउंड दी आपका जो फ्यूनिकल है ना फ्यूनिकल इज टेकिंग सर्कुलर टर्न अराउंड नाकिंगउंडल बॉडी एंड दिस इज वॉट वी कॉल एज दी सर ट्रॉपस ऑफ यू सो आई होप द वेरियस टाइप ऑफ ऑफ्यूस आर क्लियर टू यू बट अवर मेन फोकस वुड बी ऑन दी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ऑव्यूल विच इज गोइंग टू बी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ऑफ तो आइए देखते हैं दि स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ऑफ इन डिटेल तो चलो बच्चों अब आप देखने जा रहे हैं दी स्ट्रक्चर ऑफ अ

आप देखोगे ये आपकी मेन ओव्यूल की बॉडी है अब इस मेन ओव्यूल की बॉडी में आप एक चीज देखते हो ये एनविलब्ड है बाय टू स्ट्रक्चर्स। तो देखो आपको ये जो दो कवरिंग्स देखने को मिल रही है ना दी कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल बॉडी इज कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट्स तो इन्हें हम बुलाते हैं दूमेंट्स ठीक है है ना? Okay. So, these are integuments. अब ये ये आपकी की में सब जगह है, except this region. ये जो रीजन आपको देखने को मिला, पर आपके माइक्रोपाइल ठीक है ओके the so, okay. ये माइक्रोपाइल है ओके okay. ठीक है अब देखो ओव्यूल की जो बॉडी है आपके फ्यूनिकल से एक पॉइंट पे अटैच है देख रहे हो ना ये अगर आपका स्टॉक जा रहा है द फ्यूनिकल ये आपकी बॉडी है तो ये दोनों you know, आपकी ओव्यूल की बॉडी आपकी फ्यूनिकल से इस पे टच कर रही है स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड तो इसी को हम बुलाते हैं हाइलम राइट right? और आप देखोगे जो आपकी ओव्यूल की बॉडी है जिस जगह पर आपके नो you फ्यूनिकल know, से टच कर रही है पूरी तरह से ऐसे फ्यूज हो रही है वहां पर ना आपको एक रिज फॉर्म होता हुआ नजर आता है एक उभार नजर आएगा दिस रिज इज गोइंग टू बी कॉल्ड द रैफे हम क्या बुलाते हैं द रैफे ओके एंड आपको इस यूनिकल यानी कि जो आपकी नो you स्टॉक know, है वहां पर आपको वैस्कुलर स्टैंड भी देखने को मिलेगी सो दिस इज गोइंग टू बी वैस्कुलर स्ट्रैंड जो कि

और साथ ही साथ बच्चों ये न्यूट्रिटिव भी होते हैं, बिकॉज इनके पास नरिशमेंट भी होता है टू तो प्रोवाइड टू तो द डेवलपिंग मेगा स्पोर्ट राइट तो यहां पर इस चीज को याद रखिएगा दे आर गोइंग टू बी न्यूट्रिटिव ऑल्सो ये फीचर आपके न्यूसेल के हैं ठीक है ओके अब आप देखोगे इस न्यूसेल के मास के अंदर आपके मेगा स्पोर्ट जो बनेगा से फॉर्म होता है दिस स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा देखो इसको मैं अलग से ऐसे कलर कर देता हूं दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी ओवर हियर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर और ये रिप्रेजेंट करता है द सैक सो दिस इज आवर अवर सैक विच इज नथिंग बट फीमेल गैमिटोफाइट ठीक है तो ये है आपका फीमेल गैमिटोफाइड जो कि बनेगा आफ्टर योर मेगास्पोर डेवलप्स ठीक है तो मेगास्पोर के डेवलपमेंट से बनता है आपका फीमेल गैमिटोफाइड और दी एम्ब्रायोसैक्ट जो कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इसी एम्ब्रायोसैक्ट के अंदर आपका फीमेल गैमिट एग प्रेजेंट होगा ओके okay? ओके okay. तो बेसिक चीजें आपको समझ में आगे दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ यूल देखो एक चीज और याद रखना है माइक्रोपाइल जिस तरफ प्रेजेंट है आपके एनाट्रोपस ऑफ यूल में दिस एंड वुड बी कॉल्ड द माइक्रोपाइलर है Why, जिस तरफ चलाजा प्रेजेंट है दिस एंड वुड बी कॉल्ड चलाज़ा लैंड तो इसमें हम बार बार यू नो रेफरेंस लेंगे आगे भी जब हम आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको माइक्रो एंड और चलाजा लैंड क्या होता है ये पता होना चाहिए सो आई होप द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द

यहां पर ये प्रोसेस अकर कैसे करती है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस तो इमेजिन मैंने आपको बोला था ना आपको चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड को अच्छे से याद रखना है तो ये वाला एंड क्या है आपका दिस इज गोइंग टू बी द चलाजल एंड ओके okay? एंड ये क्या है आपका माइक्रोपाइलर एंड ठीक है अब देखो माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट आपके न्यू सेलर मास का एक सब एपिडर्मल सेल सब बोले तो जो कि बिलो लाई करता है राइट तो एपिडर्मस से बिलो लाई करने वाला एक सेल फ्रॉम योर माइक्रोपाइलर एंड देखो मैं क्या करता हूं इस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको जूम करके दिखा देता हूं तो देखो ये वाला पोर्शन ना हम थोड़ा सा ऐसे एनलार्ज करके समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो तो देखो यहां पर ये सपोज आपका न्यूसलर मार्क्स है ओके और ये आपके इंटेग्यूमेंट हैं सो दिस

दिस सेल इज गोइंग टू गेट डिफरेंशियटेड यानी कि सेल्स में से यूनो कुछ से अपने differentiate कर लेगा अलग कर लेगा कैसे इसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो ज्यादा प्रोमनेटली डिस्टिंग हो जाएगा ओके और यह डेंस साइट्लाजम शो करेगा सो so, यह जो पर्टिक्युलर सेल डिफरेंशिएट होता है इसे हम बुलाते हैं दी आर की स्पोरियल सेल क्या बुलाते हैं हम आर की स्पोरियल सेल ठीक है? ओके अब ये जो आर की स्पोरियल सेल है आप देखो हम यहां से कंडीशन स्टार्ट करेंगे ये आपका क्या था दिस इज एंड और ये वाला रीजन क्या होगा टुवर्ड दी यू नो ये फेस कर रहा है टुवर्ड दी चला था तो ये चला था लैंड है तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि आपका ये जो

प्राइमरी पेराइटल सेल और यह किस तरह फॉर्म हुआ है टूवर्ड दाइक्रोपाइलर एंड सो यह किस तरह फॉर्म हुआ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन सा प्राइमरी पेराइटल सेल वाइल जो चलाजल एंड की तरफ फॉर्म हुआ सेल है आफ्टर द डिविजन ऑफ द आर्की स्पोरियल सेल दिस इज गोइंग टू एक्ट एज दैल तो ये मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा सो आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई तो क्या देखा आपने आपने देखा कि जो आपके न्यू सेल्स के मास है उसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सब एपिडर्मल सेल

फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल्स वो चार जो डॉटर सेल्स होंगे ना वो आपको एक सिंगल लाइन में अरेन्ज नजर आएंगे टेट्राड okay? so, you know, देखो ये आपका मेगा स्पोर तो है बट ये आपको चार एक साथ एक लाइन में अरेन्ज नजर आ रहे हैं सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी मेगा स्पोर जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लीनियर ही नजर आता है अनलाइक याद है आपको आपके माइक्रोस्पोर जो थे वो आपको चार टाइप के नजर आते थे याद है उन सबके नाम और आपको याद है वो वहां पर आपको लीनियर भी मिलता था आपको डेक्यू भी देखने को मिलता था टी शेड भी देखने को मिलता था और टेट्रा भी देखने को मिलता था बट यहां पर आपको सिर्फ लीनियर टाइप का मेगास्पोर्ट टेट्राट देखने को मिलेगा Fine. Okay. और देखो ये conditions आपको याद रखनी है, कि कौन सा है? जो ऊपर वाला है दिस इज द चलाजा लैंड और नीचे वाला योर माइक्रो पायलर तो देखो क्या होने वाला है आगे आगे क्या होगा आगे आप देखोगे ये जो नीचे वाले तीन सेल्स हैं नीचे के तीन सेल्स जो कि किस तरह फेस कर रहे हैं दी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ओके वो तीनों के तीनों सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है वो, you know, हो जाने वाले हैं वो अपनी फंक्शनैलिटी लूज कर देंगे तो दीज आर गोइंग टू बिकम नॉन फंक्शनल मेगास्पोर्स वाइल जो एक आपका था टुवर्ड्स था चलाजल एंड ये वाला चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट ये वाला जो मेगास्पोर था दिस इज गोइंग टू रिमेन फंक्शनल तो ये है वो फंक्शनल मेगास्पोर जो कि आपके चलाजल एंड की तरफ देखने को मिलेगा ओके एंड यही आगे जाके डेवलप होगा इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट सो दिस इज गोइंग टू डेवलप इनटू फीमेल गैमिटोफाइड, इज नथिंग बट दी एम्ब्राइस सैक, राइट तो फीमेल गैमिटोफाइड बनता है फ्रॉम ओनली वन मेगा स्पोर तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है ऑफ दी फीमेल गैमिटोफाइड दीमेलिटो अक्रिंग फ्रॉम ओनली वन यूनो मेगा स्पोर ना तो इस टाइप के फीमेल गैमिटोफाइड के डेवलपमेंट को हम बुलाते हैं मोनोस्पोरिक तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बुलाएंगे मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट राइट right? तो आपका फीमेल कैमिटोसाइड सिर्फ एक स्पोर से जनरेट हो रहा है दैट मींस डेवलपमेंट हुआ कि फॉर्म फ्रॉम वन स्पोर आई होप इतनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड एंटायर प्रोसेस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो बच्चों मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू तो हमने देख लिया अब हम देखते हैं वो फंक्शनल मेगा स्पोर आपका

अंडरगो करेगा वन माइटोसिस तो एक माइटोसिस अंडरगो करेगा आपके फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस ठीक है याद रखना जितनी भी डिविजन अब होंगी आगे वो आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिविजन होंगी ठीक है तो देखो फंक्शनल मेगास्पोर का दो डॉटर न्यूक्लिया है जब फॉर्म होंगे तो देखो क्या होने वाला है ये जो दो डॉटर न्यूक्लिया हुए हैं दे आर गोइंग टू गो टर्ड्स टू ऑपोजिट पोल्स ठीक है to अब ये दो ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए

चलाजैंड की तरफ और आपके माइक्रो पायलोलैंड की तरफ फोर फोर डॉटर न्यूक्लिया राइट सो ये आपके चार यहां पर डॉक्लिया है और ये यहां पर भी चार डॉटर न्यूक्लिया है क्लियर है इतनी बात फाइन नाउ इज गोइंग टू हैपन ये जितनी भी डिविजन हुई है यहां से लेकर यहां तक दे आर ऑल फ्री न्यूक्लियर डिविजन फ्री न्यूक्लियर डिविजन मतलब सिर्फ यहां पर आपके न्यूक्लियस डिवाइड किए हैं बच्चों दे आर नॉट फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन मतलब वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ओनली ओनली आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का जो डिविजन है इट इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन एंड दिस टाइप ऑफ डिविजन इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर डिविजन ठीक है तो इस तरीके से आपको यहां पर ऑपोजिट पोल्स की तरफ एक एक पोल पे आपको चार चार न्यूक्लिया अरेंज नजर आएंगे क्लियर इतनी बात नाउ नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन चार चार में से आपका एक एक न्यूक्लियस जो है वो मूव कर जाएगा द सेंटर ठीक है तो देखो एक न्यूक्लियस फ्रॉम दलाजल पोल और एक न्यूक्लियस फ्रॉम द माइक्रोपाइलर पोल कहा मूव करेंगे टुवर्ड द सेंटर तो देखो आपको यहां पर दो न्यूक्लिया में इकट्ठा नजर आएंगे अब देखो ये जो दो न्यूक्लिया है इनको किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया

डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे दीज थ्री सेल्स वुड बी कॉल दी एंटीपोडल सेल्स ठीक है तो इन्हें हम बुलाते हैं दी एंटी पोडल सेल्स क्लियर इतनी बात ओके okay. और इन एंटीपोडल सेल्स का अभी तक फंक्शन जो है वो अननोन है राइट right? तो अभी तक इनका फंक्शन क्लियर नहीं है कि भाई ये क्यों प्रेजेंट है वाइल जो आप देखोगे आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपके तीन न्यूक्लिया थे उनमें भी वॉल फॉर्मेशन होगा और वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इन टू एन एपरेटर्स विच इज फॉर्म ऑफ थ्री सेल्स एग एपरेटर्स तो इसमें जो सेंट्रल सेल आपको देखने को मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग योर फीमेल is the इज cell. so ये है आपका फीमेल right? this राइट दिस while in इन you know एक्स सेल को फ्लैंक करते हुए आपको दो ऐसे ऐसे सेल्स नजर आएंगे। These cells are called synergids. इन्हें हम क्या हैं? और synergids में आप देखोगे जो end की तरफ वहां पर आपको कुछ थिकनिंग देखने को मिलती है ओके इन थिकनिंग्स को हम बुलाते हैं द एपरेटस तो यहां पर synergids के, के केस में आपको फिलिफॉर्म एपरेटर्स भी देखने को मिलता है ये जो फिलिफॉर्म एपरेटर्स है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मिलकर बनता है अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये बेसिकली आपके पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक तो ये जो एंटायर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला इसमें आपने एक चीज नोट की होगी आपको टोटल देखने को मिले एट न्यूक्लियाई है ना यहां पर तीन

Two तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितने सेल्स हुए देखो पर, two यहां पर, थ्री प्लस थ्री बी सिक्स एंड वन सेंट्रल सेवन टाइप का जो embryo sac आपको form होता नजर आता है सेवन सेल्ड एट न्यूक्टेड टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक्ट और इस टाइप के एम्ब्रायसैक को हम बुलाते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक ठीक है तो ये जो आपको एम्ब्रायोसैक देखने को मिल रहा है दिस इज पॉलीगोनम टाइप जो कि है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड फाइन ओके और अक्सर ही क्या हो जाता है ये जो दो पोलर न्यूक्लिया हैं मेच्योरिटी पे आपको ये फ्यूज करते हुए नजर आएंगे और ये फ्यूज करने के बाद कहलाते हैं सेंट्रल सेल न्यूक्लियस या फिर इनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बुलाते हैं सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी न्यूक्लियस इतनी बात क्लियर है तो देखो यहां पर ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये फॉर्म हुआ बाय दी जॉइनिंग ऑफ टू पोलर न्यूक्लियर नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसकी प्लॉइडी क्या होगी उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके पोलर न्यूक्लिया की क्या थी। तो देखो बच्चों आपको सिंपल चीज रिकॉल करनी है आपके मेगास्पोर, मदर सेल के से बने थे, मेगास्पोर है मतलब इसका जो फ्लॉइडी होगा दिस इज गोइंग टू बी हेप्लॉइड है ना अब इस हेप्लॉइड न्यूक्लियस के आपको माइटोटिक डिविजन से फॉर्म हो रहे थे ये आपके एज न्यूक्लिया राइट और नॉट ओके okay. तो so, ये जो राइट आपके न्यूक्लिया हैं जो टोटल एट फॉर्म हुए हैं दे आर फॉर्म बाई न्यूक्लियस मतलब जितने भी आपको यहां पर में देखने को दे आर ऑल गोइंग टू बी इन नेचर चाहे एंटी पोडल सेल्स के न्यूक्लिया हो दे आर गोइंग टू बी हेप्लॉइड चाहे आप एक्स सेल की बात करें ये भी हेप्लॉयड होगा इनफैक्ट आपके जो दो पोलर न्यूक्लिया हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी हेप्लॉयड और आपके सिनरज भी हेप्लॉइड होने वाले हैं ठीक है ओके okay. बट याद रखना आपका जो मेगास्पोर मदर सेल था वो आपके न्यूसेलर सेल से ही हुआ था ना और न्यूसेलर सेल्स से आपके ओव्यूल का पार्ट थे जो कि डिप्लॉइड है इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉड था बट उनकी डिविजन से बनने वाला मेगास्पोर वुड भी हेप्लॉड ठीक है ओके okay. अब देखो सिंस पोलर न्यूक्लिया दोनों के दोनों न्यूक्लिया जो है वो

न्यूक्लिया की बात हो रही है ये जो दो पोलर न्यूक्लिया हैं वो आपके सेंट्रल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ये बड़े वाले सेल के अंदर है ना तो उसका मतलब इन पोलर न्यूक्लिया को हम सेंट्रल सेल न्यूक्लिया भी बुला सकते हैं

Sack. तो यहां पर जो सैक बनेगा वो इस तरीके से बनता है फ्रॉम ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर और इस टाइप के डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो कि डेवलप होता है फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर वुड बी कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगेन मेंशन कर देता हूं मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट आई होप जितनी भी चीजें मैंने कवर की रिगार्डिंग दी फीमेल गैमिटोफाइट डेवलपमेंट इज वेरी क्लियर तो बच्चों चलिए प्लेस करके देख लेते हैं अपने मेच्योर सैक को इन साइड अवर ओव्यूल तो देखो ये आपका ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल यहां पर प्लेस है आपका सैक और ये सैक को अगर हम इसे जूम आउट करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा तो देखो टुवर्ड्स टूवर्ड चलाजल एंड यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड आपको देखने को मिलेंगे थ्री हेप्लॉइड सेल्स कॉल्ड कॉल दीपोडल सेल्स

क्या देखने को मिल रहा है आपके सिनरजिट्स में ऐसे फिंगर लाइक like ये यू नो प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं दिश फिंगर लाइक आर कॉल्ड द फिले फॉर्मरेटर्स और ये पर्टिकुलर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये गाइड करते हैं इनकमिंग पॉलिंग ट्यूब को टू एंटर इन टू दिस एम्ब्रायोस एक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टू वर्क फाइन इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं अच्छे से समझ में आया अब देखो एक पिक्यूलैरिटी और समझ लो आपको देखने को मिलेगा जो आपके सिनर्जिट हैं

चलाजल एंड की तरफ न्यूक्लियस फेस करता हुआ नजर आएगा वाइल जो वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि एक्चुअली यहां पर दिख नहीं रहा है दो सेल्स के बीच में दिस वैक्यूल इज गोइंग टू बी फेसिंग टूवर्ड माइक्रोपाइल। तो ये पोलैरिटी का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इन दी एग एपरेटिव सो आई होप नाउ एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दी फीमेलोफाइड एम्ब्रायोसा उनकी पोजिशन और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा तो चलो बच्चों अब हम क्विकली समराइज कर लेते हैं द वेरियस एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स तो चलो हम एक कंपैरेटिव स्टडी ले लेते हैं बिटवीन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाइन ओके तो देखो सबसे पहले हमारी कहानी बिगिन होती है विद स्पोरोफिल्स राइट तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के केस में जो आपको स्पोरोफिल देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माइक्रो स्पोरोफिल और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है दिस इज नथिंग बट योर स्टेमेन, याद आ गया आप सबको ठीक है अब इसी का इक्विवेलेंट, अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होगा दैट इज गोइंग टू बी द मेगा स्पोरो और ये जो मेगा स्पोरोफिल है दिस इज नथिंग बट योर कार्पिल और पिस्टल ठीक है इतनी क्लैरिटी होगी आपको ओके okay. अब ये जो मेगा स्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे द स्पोरेंजिया है ना स्पोरोफिल्स में आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं दो स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे इजेंट इन तो आपके पास यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल में देखने को मिलेगा आपको माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि आपको यू नो मेच्योर होते हुए नजर आएंगे इन द उसमें आपको मिलेगा मेगा स्पोरजियम या मेगा स्पोरजिया और मेगा स्पोर क्या थे भाई? Ovules. आप सभी को तो दो इतनी क्लैरिटी हो गई ओके okay. ना आपके स्पोरजिया के अंदर क्या बनते हैं ऑब्वियसली स्पोर्ट्स तो यहां पर जो स्पोर्ट बनेंगे बच्चों दे आर गोइंग टू बी योर माइक्रोस्पोर्स वाइल्ड मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले वुड भी मेगा स्पोर्ट्स क्लैरिटी होगी इन पॉइंट की भी ओके okay. अब आप देखो आपके जो स्पोर्स हैं दे विल गिव राइज टू योर गैमिटोफिटिक जनरेशन इसका मतलब स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमिटोफिटिक जनरेशन बनती है तो यहां पर जो माइक्रोस्पोर होगा वो राइज करेगा मेल गैमिटोफाइट को याद करो माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोवर्ड हमेशा मेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है ना तो यहां पर फॉर्मेशन होगा मेल गैमिटोफाइट का और जो मेल गैमिटोफाइट आपको देखने को मिलेगा दैट इज नथिंग बट योर पोलिन ग्रेन राइट वाइल अगर हम देखें आपके मेगा स्पोर्ट्स के जर्मिनेशन से क्या बनना चाहिए मेगा स्पोर्ट्स से बनता है आपका फीमेल गैमिटोफाइट और ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है दिस इज गोइंग टू बी योर एम्ब्रायोसैक ठीक है तो इस तरीके से एम्ब्रायोसैक बी फॉर्म एंड देन आप जानते हैं इन आर गोइंग टू बी द गैमिटोफाइटर जो कि बेयर करेंगे को तो इसका मतलब आपके मेल गैमिटोफाइट में बनेंगे आपके मेल गैमिट्स वाइल फीमेल गैमिटोफाइट बेयर करेगी फीमेल गैमिट को सो आई होप एंटायर रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि आपको कंपेरेटिवली देखने को मिलेंगे इनकेस ऑफ दर्म आर वेरी क्लियर सो आपको याद रखना है कौन से स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या मिलने वाला है सो so, इस तरीके से एंजियोस्पर्मिक स्ट्रक्चर्स आपको अगर क्लैरिटी है तो so आपको आगे की प्रोसेस समझना बहुत आसान हो जाएगा तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज थी उनमें सबसे पहला था गैमिट का फॉर्मेशन होना तो गैमिट्स तो हमने फॉर्म कर लिए है ना हमने देख लिया कैसे मेल गैमिट बनता है कैसे फीमेल गैमिट बनता है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो उसके लिए सेकंड जो क्राइटेरिया है इन गैमिट्स का आपको फ्यूजन करवाना पड़ेगा बट

pollen grains ka from the anther to the stigma of the flower so the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower िटेटिंग द फर्टिलाईजेशन प्रोसेस ना तभी तो आपके मेल और फीमेल कॉन्टैक्ट में आ पाएंगे ओके और उनको ये प्रोसेस जो है पोलिनेशन तो को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो चलो बच्चों बिगिन करते हैं विद्स ऑफ पॉलीनेशन तो बेसिकली बच्चों आपको तीन टाइप के पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं तीन टाइप के पॉलीनेशन में आपके सामने यहाँ पर तीनों मैंशन है जिसमें सबसे पहले वी हैव हाँ इज ऑटोग्रामी देन वी हैव हाँ इज गीटनोग्रामी एंड थर्डली वी हैव इजनोगी तो आपको यहाँ पर तीन टाइप के पॉलिनेशन की प्रोसेस देखने को मिलेंगी तो आइए एक-एक करके इन तीनों ही टर्म्स को हम ब्रेक करते हैं सो दैट वी कैन डिकोड देयर मीनिंग और समझ सकते हैं कि बीच में बेसिक डिफरेंस को यहां पर सबसे पहले मेंशन है ऑटोगैमी। ऑटो वर्ड का क्या मतलब होता है ऑटो मींस समथिंग व्हिच इज ऑटोमेटिक मींस सेल्फ है ना तो इसका मतलब ऑटो वर्ड्स मींस सेल्फ व्हाइल जो गैमी वर्ड दिस वर्ड गैमी दिस रिप्रेजेंट्स मैरिज

ऑटोगैमी, ठीक है बिकॉज यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है प्योरलीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के लिए है फ्लावर मस्ट बी बाई सेक्सुअल स्ट्रक्चर से तभी तो भाई ट्रांसफर हो पाएगा ना फ्रॉम द मेल टू द फीमेल पार्ट तो द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ऑटोगी इज दैट द फ्लावर शुड बी बाय सेक्शुअल इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ठीक so, है सो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर वुड बी ऑटोगैमी क्लियर है ओके तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है नेक्स्ट वी हैव इज दी गीटनोगैमी अब गीटनोगैमी देखो ये वर्ड जो गीटनो वर्ड है इसका मतलब होता है नेबर तो so, भाई नेबर के साथ यहां पर मैरिज है मतलब प्लांट सेम रहने वाला है बट उसी प्लांट पे लगे हुए दो नेबर फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का टू द स्टेक्मा तो मतलब यहां पर रिक्वायरमेंट होगी आपके टू फ्लावर्स की दिस इज गोइंग टू बी वन एंड दिस इज गोइंग टू बी टू ठीक है तो दो फ्लावर्स रिक्वायर्ड है यहां पर और यहां पर एक फ्लावर के जो आपके एंथर्स हैं जब वो मेच्योर होकर शेड करेंगे अपने पॉलन दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द नेबरिंग फ्लावर तो यानी कि यहां पर ट्रांसफर हो रहा है

ट्रांसफर करवाने के लिए आपको किसी एजेंसी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना हवा चाहिए होगी या तो हवा के थ्रू जाएंगे या वाटर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू तो अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांसफर होना है पॉलिनेशन के टाइम पर उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एजेंसी की रिक्वायरमेंट है तो अगर बात करें फंक्शनली फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है रिमेंबर दिस थिंग दिस इज दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि जिस पर्टिकुलर फ्लावर से पॉलन आया है और जिस पर्टिकुलर स्टिग्मा पे वो लैंड किया है वो बिलोंग करते हैं टू द सेम प्लांट इसका मतलब उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है ना तो इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी जेनेटिकली शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज जो यू नो फ्लावर्स हैं या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं पोलिन ग्रेन और स्ट्मा दोनों के ही जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है दे आर गोइंग बी सेम तो इसका मतलब ये जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलीनेशन है बट फंक्शनली इसको कैरी आउट करवाने के लिए ही रिक्वायर एन एजेंसी दैट इज वाई इट इज क्रॉस पॉलीनेशन सो दिस इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन तो देख रहे हो यहां पर

फॉरिन तो so, किसी फॉरिन के साथ यहां पर मैरिज होने वाली है मींस ट्रांसफर होने वाला है तो so, मतलब यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होंगे दो फ्लावर्स की बट दो फ्लावर्स आपके दो अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होने चाहिए दैट मींस ये अगर एक फ्लावर है ये दूसरा फ्लावर है बट दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द टू प्लांट्स ठीक है सो ट्रांसफर इज गोइंग टू अकर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर सेम स्पीशीज़। तो इस बात को याद रखना है तो दिस इज जीनोग्रामी और ये फंक्शनली और साथ ही साथ जेनेटिकली दोनों ही तरह से क्रॉस पॉलिनेशन है बिकॉज यहां से यहां ट्रांसफर करवाने के लिए तो आपको एजेंसी चाहिए राइट right? तो फंक्शनली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन ही हुआ और सिंस यहां पर दो डिफरेंट प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उन पर्टिकुलर प्लांट्स का जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा ना तो जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख दू यहां पर यहां पर ये बोथ फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन शो करेंगे सो आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ यू नो पॉलिनेशन आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो चलो अब हम आगे देखते हैं कि भाई इन टाइप की पॉलिनेशन को अगर हमें करवाना है तो उनके लिए क्या स्पेशल अडेप्टेशन एक प्लांट अडेप्ट करता है तो so, चलो बच्चो बिगन करते हैं विद दिवेंसेज टू Promote self -pollination, कौन कौन से वो एडेपेशन है जो कि प्लांट ने अंडर गो किए हैं टू प्रोमोटिनेशन तो चलो एक एक करके सारे या adaptations को study करते हैं. So, सबसे पहला जो कॉन्ट्रीब इज मोनोक् मोनोक्लाइनी जिसको अदर टर्म्स में हम बुलाते हैं बायोसेक्सुअलिटी दैट मीन एक ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो बिकॉज बायोसेक्सुअल मीन्स हैविंग टू सेक्सेस है ना बायस टू sexuality means having two sexes or the reproductive organs so both the reproductive organs that is male and female reproductive structures are going to be present on the same flower this condition is called monocliny because they are present on one flower that is why monocliny ठीक है ओके तो देखो मोनोक्लाइनी की कंडीशन में देखो मैंने आपको बताया भी था ऑटोग्रामी की कंडीशन अगर आपको करवानी है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है द तो फ्लावर मस्ट बी बाई फ्लावर जब तक दोनों ही दोनों यू नो दोनों ही स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होंगे यानी कि मेल और फीमेल नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक, तक मेल एंड फीमेल ग्रामिट्स कैसे बनेंगे और अगर बनेंगे नहीं तो उनका यू नो आपको फॉर्मेशन जो है वो फ्यूजन की तरफ लीड करता हुआ नजर आएगा भी नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो इसका मतलब मेल एंड फीमेल रिपोर्डक्टिव स्ट्रक्चर की कंडीशन वुड प्रमोट मोर एंड मोर सेल्फ पॉलिनेशन बट ये ही काफी नहीं है अगली जो हमारी अडेप्टेशन है दैट इज होमोगी दिस प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल होमोगी मतलब होमोबर्ड का मतलब होता है सेम सेम टाइम पे मैरिज होना मतलब यहाँ पर आपका जो मेच्योरेशन है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का वो एक साथ होना चाहिए ओके okay, ऐसा ना हो कि एंथर पहले मेच्योर कर गया और जब तक आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ तब तक पॉलिन ग्रेन चले गए ओके okay, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाए जहां पर आपके पॉलिन ग्रेन जो है वो जिस टाइम पर शेड हो रहे हैं उसी टाइम पे आपके फ्लावर में प्रेजेंट स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं राइट सो होमोगी इज नथिंग द मेच्योरेशन ऑफ योर मेल एंड द फीमेल रिपोडक्टिव ऑर्गन एट द सेम टाइम तो अगर दोनों एक साथ मेच्योर करेंगे मतलब चांसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन वुड इंक्रीज बर्ड पॉलिनेशन okay. bud pollination. Bud pollination क्या बता रहे हैं भाई बर्ड कंडीशन में आप देखोगे यहां पर फ्लावर के मतलब ओपन होने से पहले ही आप देखोगे जो एंथर प्रेजेंट था इन साइड दट बर्ड वो मेच्योर कर जाएगा टू रिलीज अ पॉलन और वो पॉलन जाके आपके मेच्योर स्टिग्मा पे यानी कि जो रिसेप्टिव स्टिग्मा है उस पर जाके लैंड कर जाएगी तो इसका मतलब बड कंडीशन में यानी कि बिफोर द फ्लावर हैज इवन ओपन आपकी पॉलिनेशन की प्रोसेस आकर हो जाएगी सो पॉलिनेशन अकर्स इन बड कंडीशन बिफोर द फ्लावर ओपन ओके तो अगर फ्लावर खुला ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होने के तो चांसेस जीरो हैं है ना तो बड कंडीशन में ही आपको यहां पर Stigma पर पॉलिन का यू नो रिसेप्शन देखने को मिल जाएगा so, ये तीन तो कॉन्ट्रीबैंस होंगे नाव वी हैव इज अ नेक्स्ट कॉन्ट्रीबैंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दट इज कॉल्ड क्लिस्टोगी क्लिस्टोगी मतलब यहाँ पर आपके प्रोडक्शन होने वाला है बायोसेक्सुअल फ्लावर का विच इज गोइंग टू रिमेन क्लोज थ्रू आउट देयर लाइफ तो देखो क्लिस्टो क्लिस्टो वर्ड को ना हम ऐसे बना सकते हैं क्लिस्टो वर्ड को अगर हम ज्वाइन करके बनाएं बनाए विदू वर्ड इज क्लेंड फिस्ट क्लेंच फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी तो बंद मुट्ठी यानी कि अगर हम क्लेंच फिस्ट को कंबाइन करते हैं तो इट बिकम्स क्लिस्टो तो क्लिस्टोग्रामी में आपका जो फ्लावर है दैट इज गोइंग टू रिमेन क्लोज थ्रू आउट इट्स लाइफ मतलब वो हमेशा आपको ऐसी यू नो बंद कंडीशन में देखने को मिलेगा तो फ्लावर की जो ओपनिंग होती है ना उस ओपनिंग को हम एंथिसिस एंथिसिस बुलाते हैं। तो तो फ्लावर जब ओपन करता है तो उसमें होता है। है है, उसमें होता बट वो 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 जो ओपनिंग इन फ्लावर्स फ्लावर्स में वो होती वो होती ही नहीं ओके। okay? और ऐसे ना आपको ग्राउंड लेवल पे देखने को ज़्यादा मिलते हैं, ओके। okay? जिन लाइफ so, और ये क्लोज कंडीशन में मतलब क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं पाएगा राइट right? बट यहां पर आपके एंथर्स कभी ना कभी तो मेच्योर होंगे और आपके जो पॉलिन शेड होंगे वो उसी फ्लावर के अंदर होंगे उसी क्लोज फ्लावर के अंदर जिसके अंदर आपकी रिसेप्टिव स्टिग्मा प्रेजेंट है दैट मीन वॉट यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रमोट होगा राइट तो नाउ एग्जांपल्स ऑफ दो प्लांट्स जो कि आपको यहां पर आपको बेस्ट एग्जाम्पल्स में फर्स्टली आपके सामने देखो आपको ये देखने को मिल रहा है इसको कि आप बहुत कॉमनली बुलाते हो पैंसी सो दिस इज नथिंग बट वायोला जो उसकी साइंटिफिक नेम है ठीक है दिस इज नथिंग बट कॉमन ठीक है देन वी हैव इज दिस पर्टिकुलर फ्लावर अब देखो यह फ्लावर ना अक्सर आपने देखा होगा इसकी पत्तियां आपने जरूर देखी होंगी ऐसी लीव शेप्ड ऐसी पत्तियां होती हैं अक्सर आपको ना जब भी बारिश होती है तो ऐसे छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो करते हुए नजर आते हैं उनमें यह फ्लावर आता है दिस पर्टिकुलर यू नो फ्ला ऑफ द प्लांट कॉल ऑग्जैलिस एंड थर्डली वी हैव

यू नो बट याद रखना है ये जो तीन you know, क्लिस्टोम फ्लावर भी बनेंगे और इनके पास जस्ट ऑपोजिट यानी कि ओपन फ्लावर्स भी बनते हैं और ओपन फ्लावर्स की कंडीशन को हम बुलाते हैं चैजमो ग्लावर्स तो यहां पर आपको चैजमो फ्लावर्स भी मिलेंगे तो यानी कि यहां पर ये जो तीन पर्टिकुलर प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं तीन एग्जाम्पल्स इनके पास दोनों टाइप के फ्लावर्स बनते हैं क्लिस्टोगैम भी यानी कि क्लोज फ्लावर्स भी एंड यानी कि ओपन फ्लावर्स भी ठीक है बट एक एग्जाम्पल एक आपके सामने यहां पर मैंशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स ही फॉर्म करता है एंड दैट इज अरे कंडीशन देखने को मिलेगी ओके सो बी दैट पर्टिकुलर एग्जांपल जो कि सिर्फ क्लिस्टोग्रामस फ्लावर ही फॉर्म करेगा आपके क्लिस्टोग्रामी का बेस्ट एग्जाम्पल है बट एनसीआर दीज एग्जाम्पल्स दैट वायला एक्सैलिस एंड कॉमिला तो भी याद रखते हैं बट रिमेंबर ये गैमस फ्लावर ओपन फ्लावर्स भी फॉर्म करते हैं तो चैज्मोगैमस में तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं बट अगर ये आपको अंडरग्राउंड लेवल पे अगर फॉर्म करते हुए नजर आएंगे गैमस इसका मतलब यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन भी प्रमोट होती है तो दीज आर ऑल दिवैंस विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन आई होप दीजा क्लियर तो बच्चों नाउ इट इज टाइम दैट वी स्टडी अबाउट दिवै टू प्रिवेंट सेल्फ प्रनेशन पिछली स्लाइड में हमने देखा contrivances जो प्रमोट करते थे सेल्फ पॉलिनेशन को अब हम देखेंगे उन कॉन्ट्रीवेंसेज या अडेप्टेशन को जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोकते हैं दैट मीनस वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं तो इन अदर वर्ड वी कैन इवन से कॉन्ट्रीवेंसेज टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है या फिर हम इसको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं ओके ओके तो देखो एक एक करके हम सारे के सारे स्टडी करते हैं सबसे पहले वी हैव अनलाइक जहां पर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन तो वन फ्लावर यहां पर दोनों रिप्रोडक्टिव वर प्रेजेंट ऑन तो दी टू डिफरेंट फ्लावर दैट इज वाईट इज डायनिंग बिकॉज दो फ्लावर्स यहां पर इन्वॉल्व होंगे ठीक है सो देखो यहां पर इसको हम अदर टर्म्स में यूनिसेक्शुअलिटी भी बुला सकते हैं ओके सो so दिस इज इवन कॉल्ड सेक्सुअलिटी दैट मीन दर इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ यूनी सेक्शुअल फ्लावर ओके तो एक फ्लावर के पास आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमिन देखने को मिलेंगे तो ऐसा फ्लावर कहलाएगा स्टेमिनेट फ्लावर और दूसरे फ्लावर में आपको सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दट इज पिस्टल देखने को मिलेगा एंड बी कॉल इट द पिस्टिलेट फ्लावर ठीक है तो देखो बच्चो ये जो पर्टिकुलर अडेप्टेशन है यह ऑटोगी को तो कंप्लीटली प्रिवेंट कर रहा है Autogammy, याद है ना यानी कि आपका जो ट्रांसफर होगा आपके पोलन ग्रेन का फ्रॉम टू वो सेम फ्लावर पे होगा बट मान लीजिए आपके पास स्टेमिनेट फ्लावर था आपका एंथर मेच्योर भी किया मेच्योर होने के बाद पोलन शेड भी किया बट इसके पास कोई रिसेप्टिव स्टिग्मा तो है नहीं ना तो ऑटोगी तो नहीं हो सकता सिमिलरली इस फ्लावर को देखो पिस्टिलेट फ्लावर में स्टिग्मा रिसेप्टिव है बट इस फ्लावर में कोई एंथर तो है नहीं टू शेड द पोलिन पर भी ऑटोगी तो नहीं हो सकता बट yes, यहां येगामी हो सकती है मान लीजिए अगर ये दो फ्लावर्स एक ही प्लांट बॉडी पे दो डिफरेंट ब्रांचेस पे प्रेजेंट होते तो मान के चलते हैं कि यहां पर ये यह एंथर जो है वो मेचोर हुए इन्हें इन्होंने क्या किया इन्होंने शेड किया अपने पोलिन को तो यहां पर अगर ये एंथर मेच्योर होके शेड करते हैं पोलिन जो कि किसी एजेंसी के थ्रू दूसरी ब्रांच पे प्रेजेंट इस पिस्टिलेट फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब यहां पर गीटनोगैमी तो अकर हो रही है क्योंकि में क्या हो रहा था एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट दो डिफरेंट फ्लावर्स में आपको पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है तो ये जो डायक की जो अडेप्टेशन है इट कैन प्रिवेंट ऑटोगी ये प्रिवेंट तो कर सकता है ऑटोगी कंप्लीटली बट इट कैन नॉट प्रिवेंट रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल ठीक है सो यह वाला जो अडेप्टेशन है वह सिर्फ ऑटोगैमी को ही प्रिवेंट कर सकता है नॉट गीतनो गैमी ओके बट अगर मैं चाहता हूं गीतनो गैमी भी ना हो फॉर दैट परपज मैं चाहूंगा कि ये जो दो फ्लावर्स है वो एक प्लांट की ही बॉडी पे प्रेजेंट ना हो बल्कि वो दो अलग अलग प्लांट्स की बॉडी पे प्रेजेंट हो ताकि उन फ्लावर्स का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो टोटली totally डिफरेंट हो इसीलिए उस कंडीशन को हम बुलाएंगे डायसी और डायशियस कंडीशन ठीक है तो डायसी और डायशियस कंडीशन में क्या होगा दीज टू फ्लावर्स जो आपका मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है वो दो अलग अलग प्लांट बॉडीज में प्रेजेंट होंगे तो एक प्लांट बॉडी पे सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे एक प्लांट बॉडी पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे ठीक है और यहां पर इसीलिए उनको हम डिस्टिंग भी करेंगे एज मेल प्लांट एंड द फीमेल प्लांट फाइन सो प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडीज ओके इससे क्या होगा ऑटोगैमी तो छोड़ दीजिए ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकता ओके बट यहां पर गीतनोगी भी नहीं होगा बिकॉज यहां पर सेम प्लांट पे दो फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट है बल्कि दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज पे प्रेजेंट है और क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगी करवाने के लिए आपको दो प्लांट बॉडीज पे रिक्वायरमेंट होती थी, थी ना सबसे पहले तो फ्लावर्स की तो फ्लावर्स जो है वो दो प्लांट बॉडीज पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये कंडीशन जो है वो वेरी वेल प्रमोट करेगी क्रॉस पॉलिनेशन को तो यहां पर ऑटोगैमी भी नहीं हो सकती और गीतनोगी भी नहीं हो सकती Fine, और ऐसी कंडीशन आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है इनकेस ऑफ पपाया ओके जहां पर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं तो पपाया की बात कर ले, या फिर एक और एग्जांपल जो बड़ा कॉमन सा आपको देखने को मिलता है दैट इज डेट पाम्स तो उसके केस में भी आपको दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है दैट मींस दे आर आर सो आई होप टू क्लियर रिमेंबर फ्लावर की कंडीशन है वाइल्ड डायसी या फिर डायशियस कंडीशन आपके प्लांट की कंडीशन है इसमें भी डिफरेंस होता है रिमेंबर दिस थिंग तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रिवेंस है डायकोगैमी डायकोगी इज जस्ट ऑपोजिट टू द टर्म होमोगी याद है होमोग्रामी में हमने देखा था जो आपके एंथरोस्टिग्मा स्टेग्मा है देवर मेच्योरिंग एट द सेम टाइम बट यहां क्या होने वाला है यहां पर मेच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा या तो पहले एंथर हो जाएगा और स्टिग्मा बाद में होगा या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा और बाद में एंथर जाके मेच्योर होगा टू शेड द दॉलिन ओके तो दो ही कंडीशन देखने को मिल सकती है पहली कंडीशन में देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आपके जो एंथर है वो पहले ही मेच्योर कर गए और रिलीज कर दिए उन्होंने अपने पॉलिन बट आपका जो स्टिग्मा है वो अभी भी इमेच्योर है सो दिस स्टिग्मा इज इमेच्योर सो यह कंडीशन जहां पर आपके एंथर पहले मेच्योर कर जाते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटैंड्री सो ऐसे हम बुलाते हैं प्रोटैंड्री

एन थर्ड हैं जो है वो पहले से रिसेप्टिव हो जाएगी तो इस कंडीशन में सिंस यू नो आपकी डायनोशियम और दी यू नो आप कह सकते हो जो फीमेल रिपोर्टेबल है वो पहले मेच्योर हुई दिस इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी तो इस कंडीशन को हम बुलाते हैं प्रोटोगाइनी और ऐसे फ्लावर को हम बुलाते हैं प्रोटोगायनस फ्लावर ठीक है आई होप द कंडीशंस ऑफ डाइकोगैमी इज वेरी क्लियर अब हम देखते हैं द नेक्स्ट अडैप्टेशन व्हिच इज हेट्रोस्टाइली हेट्रो मींस डिफरेंट एंड स्टाइली मतलब द लेंथ ऑफ द स्टाइल तो देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट एंड द स्टाइल जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ही फेवर होगा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं देखो दो टाइप की ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है हो सकता है आपकी स्टाइल बहुत ज्यादा लंबी हो किसकी आपकी पिस्टल की वाइल जो आपके एंथर के फिलमेंट है वो बहुत शॉर्ट हो तो इसका मतलब जब ये एंथर मेच्योर शेड भी करेंगे तो वो देखो यहां इस लॉन्ग स्टाइल तक पहुंच नहीं पाएगा इज एंटेड नॉट तो यहां पर ये लॉन्ग स्टाइल जो आपको फ्लावर देखने को मिलेगा वो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को एंड यहां पर ये शॉर्ट स्टाइल फ्लावर में क्या होने वाला है देखो स्टाइल जो है वो बहुत छोटी है और जो आपके एंथर का फिलमेंट है वो बहुत लंबा है जिसकी वजह से गोइंग टू हैपन, जब ये शेड करेगा अपने पॉलिन तो देखो ये पॉलिन ना सब जगह बाहर चले जाएंगे बट कोई भी अंदर जाके नहीं गिरेगा और इस पर्टिकुलर रिसेप्टिव स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करेगा मतलब यहां पर शॉर्ट स्टाइल कंडीशन भी प्रिवेंट करती है आपके सेल्फ पॉलिनेशन को ओके okay? तो so, देखो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल ना बच्चों आपको देखने को मिलता है प्राइम रोज तो, में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है तो जो लॉन्ग स्टाइल आपको इवनिंग रोज के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं आर कॉल्ड पिन टाइप ओके तो दीज आर पिन फ्लावर्स बिकॉज ये जो स्टिगमा है ना वो एक पिन की तरह पेयर करती है तो ये पिन का हेड होगा और ये उसकी टिप होगी ओके तो दीज आर कॉल्ड पिन फ्लावर्स वाइल्ड जो शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स है दे आर कॉल्ड फ्रम फ्लावर्स तो दे आर कॉल्ड थम फ्लावर्स सो आई होप द डिफरेंट यू नो जो टाइप की आपको कंडीशन देखने को मिलती है जो कि प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को और प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को आपको अच्छे से समझ आई होंगी आइए देखते हैं द नेक्स्ट कंडीशन तो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन इज चारमी चार्जमोगामी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था यह क्लिस्टोगी का जस्ट ऑपोजिट है ना तो चार्जमोगामी में क्लिस्टोगी में क्या होता था

स्टिग्मा पे जाके लैंड करके क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करें यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे ठीक है ओके देन वी हैव इज इज नेक्स्ट कंडीशन कॉल्ड सेल्फ सेल्फ से मतलब खुद के लिए इनकम्पैटेबल हो जाना तो ये बेसिकली बच्चों एक जेनेटिक मैकेनिज्म है यानी कि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है इसका कोई एक्सटर्नल फैक्टर से कोई रोल नहीं है बल्कि इंट्रिंसिक फैक्टर से रोल है तो यहां पर जो गैमीट्स बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों ही वायेबल हैं ओके, okay, बट तब भी वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते तो इमेजिन करो कि एक पर्टिकुलर फ्लावर ने एंथर में जो पॉलिंग्रेन ग्रेन हैं, वो भी वायबल है जो स्टिग्मा है वो भी रिसेप्टिव है और उस पर्टिकुलर फ्लावर का जो पॉलिन है उस पर्टिकुलर फ्लावर के ही स्टिग्मा पे जाके लैंड भी कर गया लेकिन वो पोलिन ग्रेन फेल कर जाता है टू जर्मिनेट इनटू द पोलन ट्यूब uh, तो वो पोलन ट्यूब ही नहीं बना पा रहा है एंड द रीजन बिहाइंड करते हैं okay? तो इस जेनेटिक में जो सेल्फ पोलन है यानी कि फ्लावर का खुद का पोलन वो यू नो प्रिवेंट हो जाएगा फ्रॉम जर्मिनेटिंग एंड फर्टिलाइजिंग ओव्यूल इन पिस्टल तो पिस्टल में प्रेजेंट ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से ये रोक देता है यह जेनेटिक मैकेनिज्म तो देखो यहां पर क्या होने वाला है अगर यह एक सेल्फ पॉलिनेशन वाली कंडीशन है यानी कि यह सेल्फ पॉलिन है तो यह देखो ये अपना पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं कर पाएगा वाइल अगर यह एक फॉरेन पॉलिन है तो ये देखो इजीली जर्मिनेट भी करेगा और यू नो मूव भी करेगा थ्रू द स्टाइल इन टू ओवरी और जाके ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन भी करने की पूरी कोशिश करेगा तो so, इसका मतलब जो फॉरेन पॉलिन है वो फेवर्ड होते हैं टू जर्मिनेट वाइल जो सेल्फ पॉलिन है उनको प्रिवेंट कर दिया जाता है टू यू नो फर्टिलाइज दूल तो ये जो कंडीशन है जैसे सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी यानी कि जो पर्टिकुलर फ्लार का स्टिग्मा है, वो अपने सेल्फ पॉलिन को जर्मिनेट करने से प्रिवेंट कर देता है इनकम्पैटेबल है खुद ही के पॉलिन के तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रीबेंस है रिगार्डिंग योर प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो वेरी क्लियर तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल कॉन्ट्रीब्यंस जो कि आपको प्रमोट करता हुआ नजर आएगा क्रॉस पॉलिनेशन को रैदर जो कि प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को एंड दैट इज नोन एज हरको -gammy. ओके okay, हरकोगामी में क्या होता है बच्चों हरकोगैमी में आप देखोगे आपके स्टिग्मा और एंथर के बीच में आपको एक फिजिकल बैरियर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से एंथर से रिलीज होने वाले पोलन स्टिग्मा पे जाके लैंड नहीं कर पाते हैं सो देट इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड दिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ओके okay? और इसका बेस्ट एग्जांपल वी वुड बी स्टार्टिंग दैट इज कैलोट्रोपिस तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है ये आपको बहुत देखा देखा सा लगता होगा आपने बहुत बार इसको अपने आसपास देखा है दिस इज कैलोट्रोपिस इसका साइंटिफिक नेम है और कॉमनली इसको हम बुलाते हैं द मिल्क वीट सो दीज आर दी मिल्क वीट्स और हिंदी में ऐसे हम बुलाते हैं अकौगा कॉमनली बहुत सुना होगा आपने इसको ठीक है तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उसमें आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी तो देखो ये प्लांट में आपको फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं अगर मैं इस फ्लावर को जूम करके आपको थोड़ा दिखाऊं तो देखो ये कंडीशन कैसी नजर आ रही है यहां पर ये फ्लावर के पेटल्स हैं आपको ना सेंटर में ये एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है दिस पेंटागोनल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली फॉर्मड बाय यू नो दिज आर बेसिकली द स्टिग्मा तो ये पेंटागोनल स्टिग्मा देखने को मिलेगी जो कि आपको दो कार्पल्स के स्टिग्मा के फ्यूजन से फॉर्म होती हुई नजर आती है तो ये कंडीशन देखो कैसी नजर आएगी कुछ इस तरीके से इस तरीके की फाइव साइड वाली या फाइव एंगल्स फॉर्म करती हुई वाली आपको स्टिग्मा देखने को मिल रही है ओके okay? और यहाँ पर आप इसको ऐसे कह सकते हो दिस इज बाय बाई फ्यूजन ऑफ टू स्टाइल्स ऑफ टू कार्पल्स तो देखो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर फिगर में आई होप इट इज विजिबल नहीं भी हो तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यहाँ पर ना आपको ऐसे ब्लैक डॉट देखने को मिलेंगे एट ईच ऑफ दीज कॉर्नर्स ये जो ब्लैक डॉट्स यहां देखने को मिलेंगे इसको अगर हम और थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो आपको कंडीशन नजर आएगी कुछ इस तरीके से तो ये डॉट आया और यहां पर ना आप देखोगे जब इसको आप रिमूव करते हो विद हेल्प ऑफ अ वेरी यू नो शार्प ऑब्जेक्ट तो यहां पर आपको ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच नजर आएंगे समथिंग लाइक दिस इस तरीके से

यहां पर मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखो ये आपके एक्चुअली कोरोना कोरोना है -like है ये लाइक लाइक यानी कि क्राउन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा स्टेमिनलिनल ट्यूब्स और यहां पर देखो ये जो ब्लैक डॉट देखने को मिल रहा है ये आपको बेसिकली एक स्टिग्मा का ना ऐसे ज्वाइनिंग पॉइंट है ऑफ दी टू साइड तो ये पॉइंट पे ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है इस ब्लैक स्ट्रक्चर में आप जब इसको रिमूव करोगे तो आपको यहां पर ना दो ऐसे

ओके तो दिस इज पोलिनियम आपको यहां पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहे हैं दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल्स ओके और ये जाके ज्वाइन होते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे विच इज कॉल्ड कॉर्पस ठीक है तो ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं टुगेदर दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड दी ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेटर okay, अब so देखो यहां पर ये कंडीशन अराइज होती कैसे फिगर इट आउट देखो यहां पर आपको देखने को भी मिल रहा है कि कैसे ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड कंडीशन को प्रमोट करता है तो देखो यहां पर क्या हो रहा है अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को इस ब्लैक वाले डॉट वाले पोर्शन को एक नीडल की मदद से ऐसे निकालने की कोशिश करूं तो ना आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पर एक डिस्क होगी जिससे कि आपको ये दो बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे तो बेसिकली ये जो डिस्क होती है ना दिस इज वेरी स्टिकी तो जब भी एक इंसेक्ट जाके इस यू you नो know, आपके स्टिग्मा के डिस्क पे जाके बैठता है यहां पर तो वट है उसका या तो यू you नो know, कोई लेग जो है वो जाके इस

फोर माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं जिसके अंदर या पोलन सैक देखने को मिलते हैं जहां पर आपको पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे इस तरीके से ये कंडीशन जो है बच्चों इसमें क्या होता है देखो ये जितने भी आपको इस पर्टिकुलर सैक में देखने को मिल रहे हैं दे विल ये आपस में कर जाते हैं ठीक है वॉट इज गोइंग टू ये पोलिनियम जो है आपस में ज्वाइन होते हैं बाई दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दिसक्रक्चर -like जैसे कि मैंने बताया था दीज दल और ये ज्वाइन हो जाते हैं जो एंटायर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसलेटर और ये जो ट्रांसलेटर का कॉर्पस्क्यूलम है दिस इज वेरी स्टिकी ये स्टिकी होने की वजह से जब भी इंसेक्ट जाके इस स्टिग्मेटिक डिस्क पे बैठता है तो जाके वॉट एवर what पर, पर जो किनारे पे आप देख रहे हो ना आपको देखने को मिल रहे हैं ये जो कॉर्नर है उन पर जाके ये डिस्क प्रेजेंट होती है तो स्टिग्मा पे प्रेजेंट जो इंसेक्ट है उसके लेग्स जाके इस डिस्क के कॉर्नर पे आप देखोगे बाइंड कर जाते हैं फिर स्टिक कर जाते हैं टू तो दिस कॉर्पस और जब भी इंसेक्ट आगे मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगा वो उसके पैरों पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे चिपके रह जाएंगे और जब वो दूसरे किसी फ्लावर को विजिट करेगा ऑब्वियसली इंसेक्ट यहां पर एजेंसी की तरह एक्ट कर रहा है ना एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है इसका मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन ही प्रमोट करेगा तो जब ये दूसरे किसी पर्टिकुलर फ्लावर को विजिट करेगा सेम प्लांट तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रमोट करने वाला है क्रॉस पॉलिनेशन प्रेजेंट था वो ब्रेक कर जाएगा पॉलिन जो है तो so, so, बच्चो दिस वॉज ऑल फोर टूडे फ्रॉम द चैप्टर सेक्शुअल रिपोर्डक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझाए होंगे अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंटल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्स और पढ़ते रहिए जैसा कि आप सभी जानते हो लोनोहा फ्री है पर बेस्ट है